हाय गाइस, विश्वनाथ शर्मा और आज के सत्र में बात करेंगे टेबल्स इन SQL। टेबल्स क्या होती हैं, टेबल के अंदर डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं, उनको टेबल्स को कैसे क्रिएट किया जाता है और क्रिएट करने के बाद में उनके स्ट्रक्चर को ऑल्टर और मॉडिफाई कैसे किया जाए। अब जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक डेटाबेस के अंदर आप मल्टीपल टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। टेबल का नाम यूनिक होना चाहिए और टेबल का जो फॉर्मेट होता है वो होता है आपका रो एंड कॉलम्स के अंदर। जब आप टेबल को क्रिएट करते हैं तब आप कॉलम्स का नाम डिफाइन करते हैं और साथ में कॉलम्स का पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए डेटा आपका सेव होगा, उसका डेटा टाइप वहाँ पर डिफाइन। और अब चेक करते हैं डेटा टाइप्स SQL सर्वर के अंदर। ये डेटा टाइप्स को आप जब टेबल क्रिएट करते हैं उस टाइम में आप डेटा टाइप को डिफाइन कर सकते हैं। ये आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कॉलम में किस टाइप का डेटा स्टोर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी कॉलम के अंदर टेक्स्ट टाइप का यानी कि आपका अल्फा न्यूमेरिक डेटा आप सेव करना चाहते हैं तो उस केस में आप कैर, एन कैर और एनवायर कैर आप चूज कर सकते हैं। अगर आपको प्योर न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करनी है तो आप इंटीजर और बिग INT या स्मॉल INT या टिनी INT, इनमें से कोई आप चूज कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम सबको डिस्कस करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कैर। कैर आपका एक फिक्स्ड लेंथ होता है। फिक्स्ड लेंथ का मतलब है अगर आपने कैर की वैल्यू को यानी कैर की लेंथ को डिफाइन किया, सपोज 10 करेक्टर और वैल्यू आपकी 5 करेक्टर, तो स्टिल आपका मेमोरी जो वो 10 करेक्टर का स्पेस लेगा। इसी तरह से आपका वेर कैर एन, ये आपका वेरिएबल लेंथ होता है जिसमें आपका मैक्सिमम 8000 करेक्टर तक आप इसमें सेव कर सकते हैं। वेरिएबल का मतलब है कि अगर आपने लेंथ 100 डिफाइन की है और आपकी वैल्यू है सपोज 20 करेक्टर्स, तो सिस्टम यानी कि SQL सर्वर ऑटोमेटिकली 80 स्पेस को रिमूव कर देगा, वेरिएबल लेंथ। देन आपका नेक्स्ट है वेर कैर मैक्स। इसके अंदर आपका ये वाला मैक्सिमम साइज आ सकता है, ये सिमिलर टू आपका वेर कैर की तरह है। और आपका टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अंदर भी आप अल्फा न्यूमरिक वैल्यू ले सकते हैं और आपका इसका मैक्सिमम साइज 2 GB तक। देन एन कैर, एन कैर और कैर इन दोनों में एक डिफरेंस देखेंगे, इनकी लेंथ का डिफरेंस है, उसमें 8000 है और इसके अंदर 4000 है। इसका रीजन ये, कैर के अंदर एक करेक्टर 1 byte लेता है और एन कैर अगर आप डिफाइन करते हैं तो एक करेक्टर आपका 2 byte लेगा। उसका रीजन ये है कि एन कैर के अंदर आप नॉन ASCII करेक्टर यानी कि यूनिक कोड, जैसे कि कोई भी लैंग्वेज है आपका, चाइना है, रशियन है, अरबियन है, कोई भी लैंग्वेज आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह से आपका एन टेक्स्ट है, एन टेक्स्ट का आपका देखेंगे आपका 2 GB है। एन टेक्स्ट में भी आप नॉन ASCII करेक्टर यानी कि यूनिकोड लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। बाइनरी, अगर आपको बाइनरी टाइप का डेटा सेव करना है तो कॉलम का आपका डेटा टाइप होगा बाइनरी और इसका लेंथ होता है आपका मैक्सिमम 8000 bytes। देन बिट, ये एक तरह आपका बुलियन वैल्यू होता है आपका जिसमें आपका 0 या 1 हो सकता है। देन टिनी INT, अगर आपके पास जो वैल्यू है वो केवल आपका 0 to 25 के बीच में है तो आप टिनी INT ले सकते हैं। फिर आपका स्मॉल INT, अगर आपकी वैल्यू -32768 और +32767 के बीच में है तो आप स्मॉल INT यूज कर सकते हैं। देन INT का रेंज आपका इससे और बड़ा होता है। देन बिग INT का और भी बहुत बड़ा होता है। देन फ्लोट, अगर आपके पास डेसिमल वैल्यू है तो आप फ्लोट को चूज कर सकते हैं। तो ये सभी डेटा टाइप्स आपका अकॉर्डिंग टू योर डेटा रिक्वायरमेंट आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो डेटाबेस के अंदर जो डेटा सेव होता है वो टेबल के फॉर्म में होता है और टेबल का जो फॉर्मेट होता है वो आपका रो एंड कॉलम्स का होता है। जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं आप कि हमारा एक टेबल है जो रो एंड कॉलम्स है, यानी कि कॉलम्स कौन कौन से, हमारे नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, आपका एड्रेस और फोन नंबर। यानी कि जो आपका वर्टिकल है, जैसे कि नेम राजेश कुमार, सुरेश कुमार, ये हमारा कॉलम्स है। सेकेंड कॉलम डिपार्टमेंट, थर्ड डेजिग्नेशन और देन एड्रेस, फोन नंबर। और जो हमारा हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर डेटा है उसको रो कहते हैं, जैसे कि आपका राजेश कुमार, IT मैनेजर, दिल्ली और फोन नंबर। यानी कि ये डेटा आपका इंटर रिलेटेड है, यानी कि ये डेटा आपका जो है राजेश कुमार
आईटी में काम करता है, उसका डेजिग्नेशन मैनेजर है और वो दिल्ली में रहता है और उसका ये फ़ोन नंबर है। तो इस तरह से आपका टेबल के अंदर आपका डेटा स्टोर होता है। और थोड़े डिटेल में देखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे नेम राजेश कुमार सुरेश कुमार, ये हमारा कॉलम है और सेकंड कॉलम है डिपार्टमेंट। और रॉ किसको कहते हैं, जैसे कि आपका राजेश कुमार अगेन आईटी मैनेजर दिल्ली, ये हमारी रोज कहलाती है। और अब देखते हैं टेबल को कैसे क्रिएट किया जाता है प्रैक्टिकल के साथ में। टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एक कीवर्ड होता है क्रिएट देन टेबल नेम, टेबल कीवर्ड देन टेबल नेम, सपोज डेमो टेबल। यहाँ पर आप देखोगे जैसे कि आपने डेमो टेबल के बीच में मैंने स्पेस दिया हुआ है, यानी कि ये आपके दो वर्ड हो गए, तो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आपको दो वर्ड लेने हैं तो आप यहाँ पर अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं इस तरह से, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देन ब्रैकेट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इस ब्रैकेट के अंदर आपको कॉलम की लिस्ट को डिफाइन करना है। जैसे कि इस टेबल के अंदर मुझे केवल एक कॉलम रखना है फर्स्ट नेम। अब यहाँ पर डिसाइड करना है कि फर्स्ट नेम में मुझे किस तरह का डेटा रखना है। फर्स्ट नेम में डेटा मुझे अल्फा न्यूमेरिक डेटा रखना है, तो उसके लिए मैंने इसको डिक्लेयर किया वेयर केयर से 100, यानी कि मैं फर्स्ट नेम जिसकी मैक्सिमम लेंथ आपकी 100 करेक्ट तक हो सकती है, मैं इस कॉलम में उस डेटा को सेव कर सकता हूँ। अब सपोज मैंने लिखा लास्ट नेम देन वेयर केयर से 100, तो आप देख सकते हैं लास्ट नेम के अंदर एक एरर आ गया है। रूल नंबर 2 ये है कि कॉलम का नेम आपका सिंगल वर्ड होना चाहिए। अगर आप स्पेस के साथ में कॉलम के नाम को डिफाइन करना चाहते हैं, या तो आप हाइफन नॉट अलाउड, हाइफन अलाउड नहीं है, इसके लिए आप क्या करेंगे अंडरस्कोर। और अगर आप अंडरस्कोर यूज नहीं करना चाहते तो उसके लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट दो तरफ से इसको क्लोज कर दीजिए देन स्पेस, तो इस केस में इसको ये एक्सेप्ट कर लेगा। अब इस टेबल को हम क्रिएट करते हैं टेबल क्रिएटर सेक्शन के लिए। चेक करते हैं डेटाबेस के अंदर माय डेटाबेस, तो आप देख सकते हैं यहां पर डेमो टेबल देन एडिट, तो आप देखेंगे यहां पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, लास्ट के बाद एक स्पेस है नेम। तो इस तरह से अगर आपको कोई कॉलम क्रिएट करना है विद स्पेस देन आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। एक और रूल होता है, अगर आप सपोज कीवर्ड यूज कर रहे हैं किसी इसका सीक्वल का, जैसे कि आप यहाँ पर लिखते हैं नेम, तो आपने देखा होगा कि आपका नेम जो है वो आपका ब्लू कलर में आ गया। इसका मतलब क्या है, अगर आपको ऐसे ब्लू कलर में आता है तो यानी कि वो कीवर्ड है, सीक्वल का रिजर्व वर्ड है, जैसे कि आप वेयर केयर देख रहे हैं। सो उसके लिए अगर आप स्टिल आप कीवर्ड यूज करना चाहते हैं तो आपका सॉल्यूशन है अगेन इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में यूज को क्लोज कर दीजिए और यहां पर डिफाइन। अब मैं ट्राई करता हूं इस टेबल को दोबारा से क्रिएट करने का, तो यहां पर आ रहा है कि आपका टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि एक डेटाबेस में सेम नाम से दूसरी टेबल नहीं हो सकती है। सपोज मैं इसका नाम रख दूं 2 देन क्रिएट टेबल और सेलेक्ट फ्रॉम डेमो टेबल 2, चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम में, लास्ट नेम में आपका गैप है और नेम जो कि कीवर्ड था लेकिन वो एज ए कॉलम यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब एक कंप्लीट टेबल हम क्रिएट करते हैं, पहले इस टेबल को ड्रॉप कर देते हैं ड्रॉप टेबल
देन ड्रॉप टेबल का मतलब है कि आपका टेबल फिजिकली आपके डेटाबेस से रिमूव हो जाएगी और इंक्लूडिंग योर डेटा, इंक्लूडिंग योर स्ट्रक्चर, कंप्लीटली आपका वो टेबल वहां से रिमूव हो जाएगा। अब सपोज हम एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, सबसे पहले हम इसका नाम देते हैं आईडी। आईडी का मतलब ये कि का आपका एम्प्लॉय आईडी। अब एम्प्लॉय आईडी जनरली हमारा न्यूमरिक होता है, तो इसको हम रखेंगे आपका INT। जब आपको मल्टीपल कॉलम्स बनाने हो तो आपको यहाँ पर फर्स्ट कॉलम के बाद सेकंड कॉलम के लिए आपको कॉमा देना है। देन ये एम्प्लॉय आईडी हो गया। फिर इसके बाद हमने कहा फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम में हमने कहा वेयर केयर 100, देन कॉमा। फिर सेकंड कॉलम हमने कहा अगेन वेयर केयर 100, देन मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर सपोज मैंने कहा INT, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर न्यूमरिक होता है। देन सिटी, सिटी अगेन आपका वेयर केयर, या सिटी में आप केयर भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है सिटी का नाम फिक्स है तो आप, और अगर सपोज जेंडर, जेंडर के अंदर आपको पता है कि हमें आपका दो वर्ड लेने हैं, यानी कि या तो M या F, तो लेंथ फिक्स है आपका, या तो 0 आएगा या 1 आएगा, या M या F, तो आप यहाँ पर इसको अगेन कैर 1 करेक्टर। तो ये डिसाइड करना है कि आपको कौन से कॉलम के लिए किस तरह का डेटा टाइप आपकी ज़रूरत है। अब सपोज मैंने कहा DOB, डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ में जो डेटा टाइप होगा वो आपका डेट टाइम। और डेट टाइम के साथ में कोई लेंथ नहीं होती है, यहां पर आप लेंथ उसकी डिफाइन नहीं कर सकते, जैसे कि आप INT में नहीं कर सकते, क्योंकि INT की आपकी प्री डिफाइंड लेंथ होती है। उसी तरह से आपकी डेट टाइम की भी प्री डिफाइंड लेंथ होती है, जो SQL सर्वर डिसाइड करता है। देन कॉमा, एक और ले सकते हैं सैलरी डेसिमल, और डेसिमल में मैंने कहा सपोज देन 16.2। इसका मतलब ये हुआ कि सैलरी आपकी 16 डिजिट तक हो सकती है, इंक्लूडिंग आपका 2 डेसिमल पार्ट। तो इस तरह से आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। अब सपोज मैंने एक ही कॉलम को दो बार, यानी कि फिर से उसको यहाँ पर डिफाइन कर दिया, तो सबसे पहले हम इसका इफेक्ट चेक करते हैं। तो आप देखोगे कि कॉलम नेम इन ईच टेबल मस्ट बी यूनिक, यानी कि डेटाबेस के अंदर आपका जिस तरह से टेबल का नाम यूनिक होना चाहिए, उसी तरह से टेबल के अंदर भी कॉलम्स आपके उनके नेम भी यूनिक होने चाहिए। अब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। देन फिर से मैं इस टेबल को ट्राई करता हूँ, तो आप देखेंगे टेबल आपकी क्रिएट हो चुकी है। इसका डेटा चेक करते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम, तो आप देखेंगे ये इसका स्ट्रक्चर है, यानी कि ये हेडर है और ये कॉलम्स हैं। आपका आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, सिटी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और सैलरी। तो इस तरह से आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। और अब देखते हैं टेबल को मॉडिफाई या ऑल्टर कैसे किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमें टेबल के अंदर कोई नया कॉलम ऐड करना है, सबसे पहले हम देखते हैं कि टेबल में डेटा कौन सा है या कॉलम कौन से हैं। यहाँ पर लास्ट कॉलम सैलरी है। सपोज मुझे इसके अंदर एक और कॉलम ऐड करना है कंट्री। कॉलम ऐड करने के लिए सिंटैक्स होता है ऑल्टर कीवर्ड
टेबल और ये आपका टेबल का नाम, जिस टेबल में आपको कॉलम को ऐड करना है। अगेन कीवर्ड ऐड, देन न्यू कॉलम नेम कंट्री ऐड करने, और कॉलम के साथ में आपका डेटा टाइप और उसकी लेंथ। देन अगर सपोज मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देन फिर से मैं चेक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट में कंट्री कॉलम ऐड हो चुका है। इसी तरह से सपोज मुझे किसी कॉलम को चेंज करना है, उसका डेटा टाइप चेंज करना है या उसकी लेंथ चेक करनी है। फॉर एग्जांपल सिटी है, सिटी को हम चेक करते हैं, आपका सिटी की जो लेंथ हमारी 100 है, यहाँ आप चेक कर सकते हैं। मुझे सपोज सिटी की लेंथ को 500 करना है, यानी कि हम एक कॉलम को चेंज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका है ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम ऑल्टर, पहले ऐड था यहाँ पर, अब ऑल्टर हो गया, देन कॉलम सिटी और वेयर केयर 500। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखेंगे कि आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। देन इसको रिफ्रेश करते हैं, चेक करते हैं कॉलम्स को, देन सिटी का आप देख सकते हैं आपका लेंथ 500 हो गया। नेक्स्ट अगर आपको कोई कॉलम को ड्रॉप करना हो तो उसके लिए आपका ऑल्टर टेबल, तो ये तो आपका कॉमन है, और टेबल का नाम, जिस टेबल में आपको, जिस टेबल से कॉलम को ड्रॉप करना है। देन आपका पहले देखा, पहले ऐड था, फिर ऑल्टर था, अब ड्रॉप है, यानी ड्रॉप कॉलम और कॉलम का नाम। जैसे कि यहाँ पर लास्ट नेम है, मैं इसको ड्रॉप करता हूँ लास्ट नेम। अब चेक करते हैं डेटा को, तो आप देखोगे फर्स्ट नेम के बाद आपका लास्ट नेम था, यहाँ से वो रिमूव हो गया है। इस तरह से मैं टेबल को मूव रिफ्रेश करता हूँ, देन तो फर्स्ट नेम के बाद लास्ट नेम को रिमूव हो गया। तो इस तरह से आप स्टेटमेंट के थ्रू आप टेबल को क्रिएट कर सकते। सेकंड आपका होता है कि आप SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के थ्रू भी आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा डेटाबेस, जिस डेटाबेस में आपको टेबल क्रिएट करना है, वहाँ पर टेबल्स, देन राइट क्लिक, देन न्यू, देन टेबल। टेबल करने के बाद आपको यहाँ पर वही स्ट्रक्चर डिफाइन करना है जैसे कि हमने यहाँ पर राइट किया था, जैसे कि सपोज आईडी। अब आप देखेंगे डेटा टाइप, वहाँ पर हमने राइट किया था, लेकिन यहाँ पर ड्रॉप डाउन से आप डेटा टाइप को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपने कहा यहाँ आपका INT, ये आपका अलाउ नल नॉट नल, ये आपका कांस्टेंट का पार्ट है, इसके लिए आप मेरी दूसरी वीडियो दे सकते हैं कांस्टेंट। देन आपका हमने लिखा था फर्स्ट नेम, देन वेयर केयर, आपका से 100, देन अलाउ नल, देन सेकेंड था आपका लास्ट नेम, देन वेयर केयर, देन था आपका से जेंडर, और जेंडर के अंदर केयर, केयर के अंदर वैल्यू 1, देन आपका DOB, डेट ऑफ बर्थ, देन आपका डेट टाइम। तो इस तरह से आप मैनेजमेंट स्टूडियो के थ्रू भी आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। इसको आप सेव कर दीजिए और यहाँ पर आप टेबल का नाम डाल दीजिए, सपोज डेमो टेबल 2। अगर मैं इसको ओके करता हूँ, टेबल आपका क्रिएट हो चुका है। चेक करते हैं टेबल के अंदर, रिफ्रेश, डेमो टेबल 2। अब इस टेबल में अगर आपको कोई भी ऑल्टर करना है, कॉलम ऐड करना है, रिमूव करना है, मॉडिफाई करना है, तो राइट क्लिक, देन आपका डिजाइन मोड। पहले आपने न्यू टेबल किया था, अब उसी टेबल को आपको एडिट करना है, तो आप उसको डिजाइन मोड में ओपन करेंगे। डिजाइन मोड फिर से मैं चेक कर देता हूँ, टेबल डिजाइन मोड, तो आप देखेंगे आपका वही स्ट्रक्चर जो आपने क्रिएट किया था, और यहाँ पर आप
कोई भी चीज़ को आप टाइपिंग से आकर कॉलम का नाम चेंज कर सकते हैं और कॉलम को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। या आपको जैसे DAB को हटाना है तो यहाँ से राइट क्लिक देन डिलीट कॉलम और इसको सेव कर दीजिए। तो इस तरह से आप मैनेजमेंट स्टूडियो के थ्रू भी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं और उसमें ऑल्टर या मॉडिफाई कर सकते हैं। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट द हाउ टू क्रिएट, हाउ टू ड्रॉप एंड हाउ टू ऑल्टर द टेबल इन SQL सर्वर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।